जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। तुला राशि मेरी फेवरेट राशि, क्योंकि ये मेरी भी राशि है। और तुला राशि वालों के लिए 2021 क्या क्या वरदान लेकर आया है ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। परंतु उससे पहले आप सभी को और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप सब लोग खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, आपके घर में बरकत बनी रहे, आपके घर में कभी भी कोई दुख प्रवेश ना करे, आपके घर के अंदर आप और आपके घर के सारे सदस्य एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से मिलजुल कर रहे हैं। बस इसी अभिलाषा के साथ आज आपको ऐसे अचूक उपाय बताऊंगी जिससे 2021 आपके लिए गजब का रोमांटिक हो जाए। तुला राशि आए और प्यार की बात ना हो, तुला राशि की बात आए और जीवन के अंदर उमंग ना आए, कला की बात ना हो, किसी नई चीज़ को क्रिएट करने की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। ज़िंदगी जीना अगर किसी को सीखना है तो वो तुला राशि वालों से सीखे। इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरी राशि है, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुला राशि शुक्र की राशि है और शुक्र विलासी हैं। शुक्र आपको वैभव देते हैं, शुक्र आपको कला देते हैं, शुक्र आपको एक अलग सी अदा देते हैं, शुक्र आपको बोलने की परिपक्वता देते हैं, शुक्र आपके अंदर एक आकर्षण देते हैं, शुक्र आपके जीवन के अंदर आपको दूसरों के साथ अपना संपर्क बहुत आसान और सरल तरीके से बनाने की कला देते हैं, शुक्र आपको लोगों के साथ बहुत आसानी से जोड़ देते हैं, शुक्र आपको एक मोम सा दिल देते हैं, शुक्र आपको बहुत जल्दी इमोशनल होना सिखा देते हैं, शुक्र आपको छोटी छोटी बातों पर दिल से लगाने वाली बातें देते ही देते हैं, शुक्र आपके सखी और आपके दोस्त बहुत बनाते हैं, परंतु आपके संबंध उन लोगों के साथ बहुत लंबे नहीं चला पाते हैं। शुक्र आपकी ज़िंदगी के अंदर धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको वो सब देते हैं जो आप चाहते हैं। तो तुला राशि वालों को भी 2021 के अंदर जो चाहिए वो उन्हें मिलेगा, उसके लिए उन्हें थोड़े तो प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना किसी भी प्रयास के, बिना किसी भी कर्म के हमें हमारा भाग्य कभी भी मिलता नहीं है। तो चलिए आपको बता देती हूँ कि आपका भाग्य कैसे खुलेगा, 2021 आपके लिए कैसे वरदान बनेगा और कैसे आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ और रोमांस आएगा। आप चाहते हैं कि आपकी पारिवारिक जीवन अच्छा हो जाए, आप चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज हो जाए, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको आपका प्रेमी मिल जाए। 200 ग्राम रेवड़ी, 200 ग्राम आपको लेना है गुड़ और 200 ग्राम आपको लेने हैं चने। ये तीनों आपको मंगलवार के दिन बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित कर देने हैं। आपको मीठा जल शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में चढ़ाना चालू कर देना है। जीवन में वृद्धि चाहिए, मान सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, यश चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको शुक्रवार के दिन शिव जी के मंदिर में शहद चढ़ाना है, नियमित रूप से मंदिर जाना चालू कर देना है, देवी के मंदिर में जाकर आपको सुहाग की सामग्री चढ़ानी है, आपको देवी से अपने लिए विशेष आशीष मांगने के लिए अपने घर के अंदर किसी पंडित से दुर्गा सप्तशती के पाठ ज़रूर से करवाने हैं। नवरात्रे में जब आप अपने घर में कलश रखेंगे या जौ भिजोएंगे तो उसके अंदर एक पीली कौड़ी ज़रूर डाल देंगे। आप जब भी कोई उपाय करने जाएं तो ध्यान रखिएगा कि वो उपाय केवल देवी के ना हो, गणेश जी के ना हो, बल्कि उनके साथ में आप भैरव बाबा के उपाय ज़रूर करें। आपके जीवन की गति को बढ़ाने के लिए आपको हमेशा स्फटिक की माला से माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप करते रहना चाहिए। आपको पीपल की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। आपको तुलसी के पौधे में चुटकी भर हल्दी हर गुरुवार को ज़रूर डालनी चाहिए। आपको कुंवारी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। आपको छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श जरूर करने चाहिए। आपको किसी स्त्री को कभी अपने मुंह से अशब्द नहीं कहना चाहिए। आपको अपने से छोटी थोड़ा सा जो आपसे लोअर क्लास के लोग हैं उनके साथ कभी भी बदतमीजी या अपशब्द से बात नहीं करनी चाहिए। आपको कभी भी अपने मान सम्मान को नहीं गिराना चाहिए। आपको हमेशा
अपने से छोटों को भी आप करके बात करना चाहिए। आपकी वाणी जितनी मधुर होगी, आपकी वाणी में जितनी सरलता होगी, आप उतना ज़्यादा तरक्की और वृद्धि करते जाएंगे। आपकी आपके जीवन के अंदर धन उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। आपको अमावस के दिन अपने पितरों के नाम का दिया ज़रूर लगाना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, ध्यान रखेंगे तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा, नहीं रखेंगे तो हम कितने भी उपाय करते चले जाएं, हम जीवन के अंदर कुछ भी करते चले जाएं, हमें कहीं ना कहीं रुकावटों का सामना करना ही पड़ जाता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ये देखकर करनी होती है कि ये साल हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। हर साल कुछ कहता है, हर साल का अपना एक विशेष महत्व होता है। ये साल भी अपना एक विशेष महत्व लेकर आया है जिसको जानना, समझना और परखना बहुत ज़रूरी है। आपको समझ आए तो आप ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं आऊँगी आपके सामने कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। अपने इस चैनल को अपना प्यार देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके अंदर बहुत अथाह का प्रेम है, उस प्रेम को बांटते रहिएगा। हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके जीवन में परिवर्तन किस किस तरीके से आ रहे हैं। हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए इंतज़ार करिएगा मेरा। जय श्री कृष्ण। देखिए जी, बिल्कुल किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। हमने आपको जो भी कुछ बताया है वो आपकी चंद्र राशि के हिसाब से बताया। चंद्र राशि का मतलब होता है कि जिस समय आपका जन्म होता है उस तारीख पर उस दिन चंद्रमा जिस राशि के अंदर होते हैं वो चंद्र राशि कहलाती हैं। उसी के हिसाब से आपका नाम भी रखा जाता है, लेकिन कई बार कई लोगों का नाम कुछ और रखा जाता है पर उनकी चंद्र राशि कुछ और होती है। तो आप जब भी हमारी वीडियोस देखें या उसके हिसाब से उपाय करें तो आप अपनी चंद्र राशि जानने के बाद ही ये कार्य आगे करें। अगर आपको कोई कंफ्यूज होता है तो आप हमसे लाइव में जुड़े, वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर दिए गए नंबर्स पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर कोई प्रयोग करने में या आपको किसी प्रकार का कोई उपाय करने में कोई दिक्कत होती है, कोई कष्ट होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मास्क हमेशा पहन के रखिए, हाथ हमेशा सैनिटाइज करते रहिए और इस कोरोना को 2021 में अलविदा करिए। चलिए हम फिर मिलेंगे, बाय बाय। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपनी भविष्यवाणियों के जरिए माँ त्रिशला लोगों को करियर, बिजनेस, प्रेम संबंधी, शादी में बाधा, कोर्ट केसेस और शत्रु बाधा, वशीकरण, वास्तु दोष आदि समस्याओं का सही निवारण बताती हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आपके संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष उत्सवों एवं संस्कारों पर किए जाने वाले संगीतमय मंत्रोच्चारण द्वारा अनुष्ठान, हवन, पाठ आदि कर्मकांड मन मोह लेने वाले होते हैं। माँ त्रिशला लाखों लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए उनकी समस्याओं का प्रभावशाली निराकरण कर रही हैं। आप अपनी सारथी माँ त्रिशला से वेबसाइट www.astrotrishla.com पर या फेसबुक के माध्यम से जुड़कर ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए जुड़ें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो त्रिशला या डायल करें 9828923301 पर।